इसी बार में हम आज जो है अपाची आरटीआर का क्लच पे फिटिंग कर रहे हैं। इसका जो होता है ना ये चीज बहुत ही खतरनाक होता है ना, और इसको पहले इंजन ऑयल से इसको भिगो देंगे। यही इंजन ऑयल हम डालेंगे, ये बिडोल का है और 1 लीटर का है। इसमें 900 ml ही डलेगा, लेकिन हम 1 लीटर इसलिए डाल रहे हैं, थोड़ा सा क्लच प्लेट वगैरह में भिगाएंगे तो इसलिए हमने 1 लीटर का ले लिया है। ये भी काफी अच्छा चलता है। तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं। बिल्कुल मक्खन की तरह गाड़ी चलेगी। हाँ, तो चलिए सबसे पहले जो है एक क्लच प्लेट इस तरीके से इन कर दिए, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट, फिर उसके बाद एक क्लच प्लेट, फिर उसके बाद प्रेशर प्लेट, फिर उसके बाद ये क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट। अब जब हम ये सेंटर को लगाएंगे तो यहाँ पर एक कट वाला बिंदिया है और एक बिंदिया यहाँ पर है। ये वाला बिंदिया और ये वाला बिंदिया आमने सामने लगना चाहिए। चलिए ये वाला बिंदिया यहाँ पर है, इस तरीके से लगा दिए। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब सिंपली सबको एक जगह कर लेना है। और ये हमारा जो है पतला वार्सल यहाँ पर रहेगा। अब इसको इस तरीके से इन कर देते हैं। चार क्लच प्लेट यहाँ डाल दिया, एक क्लच प्लेट हमने इस खांचे में डाल दिया। अब सिंपली एक मोटा वाला वार्सल है यहाँ पर डालना है, और ये 19 नंबर का नट है, ये राइट साइड टाइट होगा। अब सिंपली यहाँ पर एक कूलर को फंसा देना है। अब इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब गाइस चारों स्प्रिंग को इस तरीके से डाल देना है। अब इस प्लेट को लगा देंगे। ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब सिंपली वेट को लगाते हैं। ये हमारा वेट है, इस तरीके से डाल देना है। और एक ये मोटा वार्सल, इसके अंदर जो है सीधा गुना होता है, उल्टा नहीं होता है। अब जो है सिंपली हमारा वेट जो है अच्छी तरीके से फुल टाइट कर दिया ना। अब जो है हम इस कवर को लगा देंगे इस तरीके से। इसके अंदर 3 स्क्रू है, तीनों को टाइट करना है फुल। हमारा जो ऑयल पंप गरारी है इसको लगा देना है। अभी हमारा एक वार्सल रहता है, इसको बैठा देना। अब सिंपली एक ये हमारा खेसी बेरिंग यहाँ पर इस तरीके से बैठा देना। और पैकिंग जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ भी हमारा खेसी लगा हुआ है ना। अब इसको हम इस तरीके से पिन कर देंगे। अब सिंपली जो है किक को लगा देंगे पहले। ये बिल्कुल यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। WD-40 ये तो हर इंसान जानते हैं, लेकिन आपको एक सिंबल बताते हैं SM, यानी कि ये जितना मतलब ये दो अक्षर जो है हमारा SM, ये चीज जितना कम रहेगा उतना बेहतर है, और ये जितना मतलब ग्रेड ज्यादा जाएगा तो उतना भले कमजोर होगा, है ना। अब सिंपली गेज को इस तरीके से टाइट कर देना है। बाइक को करते हैं स्टार्ट। साइलेंसर भी लूज हुआ।